अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये लाइन सच है। तो ये लाइन का सच का सामने करने के लिए हम लोग आपके सामने आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम, आप लोग देख ही रहे हैं कैमरा के सामने, शुभनो नाथ के सामने है जो लास्ट ईयर हम लोग का स्टूडेंट था, लेकिन इस साल वो क्या बन चुका है, ऑफिसर। नॉट ओनली ऑफिसर, ये एक साल में उन्होंने जो 8 एग्जाम दिया है, 8 एग्जाम में से उनका 6 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए उनके मुंह जुबानी सुनते हैं कौन कौन सा एग्जाम उन्होंने दिया था और कौन कौन सा एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है थ्रू द एविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुगर्नो, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा माँ और बाबा को। उन दोनों का अगर नहीं साथ रहता, उन दोनों का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो इतना दिन प्रिपरेशन करने का जो मौका मिलता है सबको, इतना नहीं मिलता। और जो सपोर्ट मिला है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में मेरा जो हमारा जो फैकल्टीज है एविशन का, लाइक रूपा मैम, राहुल सर, सरोज सर, पवन सर, आदनान सर और सभी जो और फैकल्टी है, उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके बाद मेरा जो दोस्त लोग है जो हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, शायंतनी एंड सोमो, सोनम एंड दीदी, विभास एंड ऑल, सभी को मैं, सभी का जो हकदार है मेरे जो सक्सेस में, अभी तक जो सक्सेस हुआ है इसमें बहुत ही ज़्यादा है। सो I would like to thanks to all of them regardlessly and thank you. तो शुगर नो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये जो लास्ट ईयर आपने शुरुआत किया था, जितना तक मुझे याद है मैंने भी आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर मार्च में, राइट? तो इस बार देखिए मार्च कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक साल में आपने बहुत सारा एग्जाम क्रैक किया, राइट? तो पहले आप जब शुरू किए थे आप एक बिगिनर थे, राइट? तो ये जो मीथ है बहुत स्टूडेंट्स का, देखिए दोस्तों आप लोगों का मीथ है कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता एक साल में, लेकिन हो पाता है क्योंकि यही एक एग्जाम्पल है, राइट? तो आपने जब शुरू किया था तो तब से लेकर अब तक का जो जर्नी है, फर्स्ट आप एविजन इंस्टीट्यूट को कैसे थैंक्स बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एविजन को ज्वाइन किया था, आई वाज लाइक अ टोटल बिगिनर। मैं पूरा ही कुछ नहीं जानता था, जो एग्ज़ाम्स होता है, जिस जैसा प्रिपरेशन होता है, जैसा मतलब जो जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी के बारे में मैं जान पाया यहाँ पे आने के बाद। मैं फर्स्ट, इफ यू आर कंफर्टेबल इन बंगाली, आप बंगाली में बोल सकते हैं, हम कन्वर्ट कर देंगे, बोलिए। ওকে, আমি যখন জয়েন করেছিলাম ফার্স্টে, তখন আমি ফার্স্টে তো কিছু জানতাম না, মানে এক্সামগুলোর ব্যাপারে কীভাবে প্রিপারেশন নেব, লাইক মতলব আপকো কিছুই জানতাম না। দেন আমার মনে আছে যে ফার্স্ট ক্লাস আমি করলাম, দেন আমি যে আমার যে ফার্স্ট ক্লাস যে ম্যাম নিয়েছিলেন, যিনি আমার সামনে বসে আছেন, আমার ফার্স্ট ম্যাথ ক্লাস ACFLCM হচ্ছিল। দেন আমি ম্যামের কাছে গেছিলাম, ম্যামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ম্যাম আমি প্রচণ্ড একটা প্রবলেমে আছি, আমি এক বছরের মধ্যেই আমি কিছু না কিছু লাগাতে চাই, আমাকে জাস্ট আপনি গাইড করুন, যে স্ট্র্যাটেজিটা জাস্ট বলুন যে কীভাবে করো। দেন ম্যাম আমাকে অনেক কিছুই সাজেশন দিয়েছিল, অনেক কিছু গাইড করেছিল, যার থ্রুতে আমি এরপরে যেগুলো দুটো এক্সাম হয়তো আমি ক্র্যাক করিনি, তারপরের থেকে আমি শুরু করি, মানে আস্তে আস্তে প্রিলিমস ক্র্যাক করা স্টার্ট করি। তো এই সাল মে শুকনো আপনি কি কি এক্সাম দিয়েছেন? First of all, I'd like to mention RRB clerk and RRB PO. Both of them I failed, and এরপরে হচ্ছে আমি IBS clerk দিই, যেটার prelims আমি পাশ করি first of all, and it was a very well exciting moment for me, and তারপরে আমি IBPS PO দি, SSC CGL দি, এই সময়টা SBI clerk দি, SBI PO দি, and you have cleared all LIC, exam back, right? Yes, LIC double দি, সবগুলো exam আমি করেছি, and means কিছু exam বাকি আছে, এখনো result আসা, so let me see. So আপনার কোন কোন সা exam মে final selection হয়? SBI clerk में final selection हुआ है और SBI PO का जो interview है वो बाकी है, बाकी है। और जिस वजह से आप आज हम लोगों के सामने हैं, SBI clerk already clear कर चुके हैं बच्चे, और आपका आज जो selection हुआ है कनाडा बैंक में officer के level से, right? तो चलिए जो aspirants है, वो जो अभी preparation करना चाहते हैं, उनके behalf पे कुछ question है। First of all, एक साल में clear हो सकता है, it's possible, right? Chupano? It's absolutely possible. Okay, वो कोई भी background से है? I would like to mention one thing here. Okay.
যেটা আগে যেমন হচ্ছে মানে যে প্যাটার্ন ছিল লাইক এসএসসি সিজিএল বলুন এসএসসি যে কোনো এক্সাম ব্যাংকের যে কোনো এক্সাম আমি জানি যে অনেক ক্ষেত্রে আগে প্রচুর লেট করতো অনেকে রেজাল্ট বেরোতে লেট হতো বা তোমার জয়েন হতে লেট হতো বাট নাও ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড এসএসসির যে এক্সামগুলো হচ্ছে মানে খুবই স্পন্টেনিয়াস খুবই কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে লাইক আমার এই রিসেন্টলি মার্চে আমার এক্সামটা শেষ হয়েছে অ্যান্ড রিসেন্টলি আই জাস্ট গট দ্য নিউজ যে জুলাইতে এসএসসি সিজিএল টায়ার টু দিস ইয়ার এটা আবার শুরু হবে সো ইট ইজ মানে এখন আর কোনো মানে ওই জিনিসটা নেই যে বলনা চাই রে কি দেখিয়ে অভি জো সিলেকশন প্রসিডিউর হ্যায় না বহুত ফাস্ট হো চুকা হ্যায় আগার আপকা প্রিপারেশন রাইট স্ট্র্যাটেজি মে চল রহা হ্যায় দেন উইদ ইন 6 টু 8 মান্থ ইউ উইল বি সিটেড অন ইয়োর ব্রাঞ্চ রাইট এক্স্যাক্টলি তো দেখি সুকর্ণ দুসরা কোশ্চেন হ্যায় হোয়াট ইজ ইয়োর স্ট্র্যাটেজি টু ফার্স্ট অ্যাটেম্প মে হি ক্লিয়ার হো জানা ইয়ে কোই ছোটা বাত নেই হ্যায় বহুত বড়া বাত হ্যায় রাইট তো ইসকে লিয়ে কোই স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজি জরুর আপ ফলো কি হোগে তো স্ট্র্যাটেজি কি আতা স্ট্র্যাটেজি যেটা ছিল সেটা হলো মক টেস্ট দিতাম এন্ড অ্যানালাইসিস করতাম কোটেড এন্ড কোটেড মক টেস্ট রাইট দোস্তো তো মক টেস্ট কহাঁ সে আপ দিতে থে মক টেস্ট এভিশন কা জো মক টেস্ট এভিশন কা জো মক টেস্ট হে वहां से आप মক টেস্ট দিতে থে অর এভিশন কা জো মক টেস্ট সিরিজ ও তো ফার্স্ট টার্গেট ওয়াজ টু কমপ্লিট দা হোল মক টেস্ট সিরিজ অফ এভিশন দেন যদি আমি টাইম পাই দেন আদার ফ্রি সোর্সেস লাইক এফআরএস ক্লাউড এন্ড অল ও সব কিছু আমি ট্রাই করতাম এন্ড একটা ম্যাগাজিনও কিনতাম ব্যাংকিং ক্রনিকল সেটা করতাম আচ্ছা এভিশন কা মক টেস্ট আপনি দিয়া থা রাইট এভিশন কা মক টেস্ট দিয়া থা অর বহুত সারে ফ্রি কুছ কোর্সেস কি তরে তো ওয়াহা সে দেখিয়ে বাচ্চা মক টেস্ট দিয়া থা অর উससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि সুকর্ণ আপ এক্সাইটেড হ্যায় আপ शायद ভুল চুকে হ্যায় কি মেনে এক চিজ বোলা থা মক টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট উससे भी ज्यादा ইম্পর্টেন্ট হ্যায় অ্যানালাইজ করনা রাইট তো অ্যানালাইজ করতে দে আর লেট অ্যাট সাম পয়েন্ট হিয়ার এন্ড যেটা হলো যে মক টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক তুমি যদি দিনে একটা তুমি বা আপনি আই এম সরি ফর এনি ডিসকাউন্টিং কনফারেন্স যদি 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 মক টেস্ট যদি দাও একটাও যদি মক টেস্ট দাও যদি সেটা অ্যানালাইসিস করতে লাইক 3-4 hours যদি চলে যায় সেটাও সেটা হচ্ছে মানে দরকার জিনিসটা খুবই প্রয়োজন বিকজ উইদাউট অ্যানালাইসিস মক টেস্ট ইজ নট এনিথিং গুড ওকে মতলব अगर आप মক টেস্ট দে রহে হো আর অ্যানালাইসিস নেহি কর রহে হো তো ইট ইজ ভেরি সিম্পল অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট গুড ফর নথিং ক্যুকি জো আপকা গলতি হো রহা হ্যায় উসকো আপকো রেক্টিফাই করনা হ্যায় আচ্ছা সুকর্ণ আপকে লিয়ে অর এক কোশ্চেন হ্যায় জো বচ্চে লোগ নরমালি মন মে ইয়ে কোশ্চেন রাখতে হ্যায় কি আপ কিতনা ঘন্টে পড়তে থে কি এক সাল মে ইতনা সারা জব আপকা হো গিয়া এখানে একটা জিনিস আমি মেনশন করব যে এভিশনে লাইক একটা ফ্যাসিলিটি আছে যেটা আমি মনে করি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ফর দ্য স্টুডেন্ট যেটা হচ্ছে লাইব্রেরি দ্যার লাইব্রেরি দ্যার ল্যাব অ্যাকচুয়ালি যেখানে অনেকগুলো কম্পিউটার আছে অ্যান্ড স্টুডেন্টদের বসার জন্য জায়গা আছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট লাইক ওখানে আমি যদি সারাদিন বসেও থাকি লাইক সকাল 10টা থেকে রাত্রি 8টা অবধিও যদি বসে থাকি তাহলে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করার নেই অ্যান্ড যদি যে এনভায়রনমেন্ট যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে লাইক হেভি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি খুবই স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড টিচাররা থাকে যখন খুশি তখন তাদেরকে ডিস্টার্ব করা ইজ টু স্পিক ডিস্টার্ব করা ইনকোয়ারি করা सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो लैब फैसिलिटीज है उन्होंने क्यों बोला देखिए कोई बच्चा घर में भी पढ़ सकता है लेकिन एविजन का ये स्पेशल चीज है कि आप लैब में बैठ के पढ़ सकते हो उससे आपका हेल्प क्या होगा कोई भी टीचर अगर रहेगा तो डाउट आपका क्लियर हो सकता है आप शायद यही बोलना चाह रहे थे exactly. कभी भी डाउट होगा तो टीचर सामने रहेगा तो आप मतलब इजीली बोल पाएंगे कि ये मुझे दिखा दीजिए हेल्प करता है राइट अनदर थिंग आई लाइक टू मेंशन जे আমি মনে করি যেটা যে একটা प्रिपरेशनের জন্য যেটা লাইক ব্যাংকিং एग्जाम হোক এসএসসি एग्जाम হোক यूपीएससी एग्जाम হোক লাইক এনি एग्जाम সেটার জন্য একটা এনवायरमेंट দরকার যেটা একটা পরিবেশ দরকার একটা পড়ার জন্য একটা ইয়ে দরকার ও এনवायरमेंट আপকো यहां से मिला একদমই পেয়েছি সেটা সব সময় বন্ধুদের সাথে সবাই प्रिपरेशन নিচ্ছে একটা জায়গায় টিচাররা সাথে আছে একটা মোটিভেটিং ফ্যাক্টর আছে লাইক এভরিডে যখন আমি যাই তখন দেখি যারা যারা টপ করেছে যখন যে পোস্টারটা দেখি ইট ওয়াজ আ मतलब आपको यहाँ पे जब पोस्टर आप देखते थे तो आपको क्या लगता था मुझे भी पोस्टर बनना है मतलब ऐसा नहीं मतलब मुझे भी पोस्टर पे अपना पिक्चर लगाना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो पार्ट टू पाई क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपने कैसे अलग से तैयारी किया प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करना शुरू किए थे उसके लिए जो स्पीड नेसेसरी है बहुत ही जरूरी है इसके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट ही
दिए जाते हैं। मतलब बोल रहा है प्रिलिमिनरी के लिए मॉक टेस्ट इज एनफ, आप मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस कीजिए। सेकंड थिंग मेंस के लिए, मेंस में और प्रिलिम में एक अंतर होता है, वो चीज है जीके का, राइट? जीके करंट अफेयर्स। तो वो करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ते थे? यहाँ का कैप्सूल से पढ़ते थे, यहाँ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जो रुक्मिणी मैम है वो मैम करंट अफेयर्स रेगुलर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, बच्चा बोल रहा है यहाँ का जो एविजन इंस्टीट्यूट का जो आपका यूट्यूब चैनल है, दैट इज एविजन बैंक एसएससी एग्जाम, और भी सारा बहुत यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एविजन यूपीएससी, एविजन बैंक, अलग से सभी का चैनल है, आप लोग देखिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पहले आप देखिए, जो एक लाइन है ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो वहां पर आप पहले वीडियोस देखिए, विच इज वेरी हेल्पफुल, राइट? वो करंट अफेयर्स के लिए आपको हेल्प मिला वहां से? बहुत ही हेल्प मिला। ओके, तो आपने करंट अफेयर्स वीडियो से प्रिपेयर किया। एंड अनदर थिंग आई लाइक टू मेंशन, जे न्यूज़पेपर को भी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर ऐसा एक चीज है। हां बोलिए आप। बिकॉज़ इट विल हेल्प इन बोथ, लाइक इन करंट अफेयर्स आल्सो एंड इन इंटरव्यू टू, इफ यू आर सिलेक्टेड। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आपके जीके के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ये हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, क्योंकि मेन से लेकर इंटरव्यू तक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता है। उस टाइम स्पेंड में अगर आप चाहो तो बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन पहले से अगर आप पेपर पढ़ोगे तो आपके अंदर इनबिल्ड वो न्यूज होगा, कोई भी चीज को आप इजिली मतलब इंटरप्रेट कर पाओगे इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, राइट? तो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किए थे, कहाँ से प्रिपरेशन किए? इंटरव्यू के लिए एविजन से एक बैच निकला था, जो मतलब इंटरव्यू सेशन हुआ था, राइट? यस, इंटरव्यू सेशन हुआ था। एक जीएम सर भी आए थे बाहर से बैंक का, और मैम सब भी बहुत थे, मतलब हेल्प करने के लिए, एंड दे आर वेरी वेरी मच लाइक हेल्पफुल फॉर मी, एंड दैट्स ऑल आई नीडेड। एंड स्टैटिक जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके लिए हमारा जो अदनान सर है वो बहुत ही हेल्प किए है, सो दैट्स ऑल। ओके, मतलब उन्होंने बोलना चाहा कि इंटरव्यू के लिए यहाँ से एक इंटरव्यू सेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिए थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सभी ने उनको हेल्प किया। यहाँ का जो सर है जीके का, उन्होंने उनको स्टैटिक के लिए हेल्प किया। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं फ्रॉम प्रिलिमिनरी से लेकर इंटरव्यू तक, ये जर्नी में आपको एविजन ने बहुत हेल्प, बहुत ही हेल्प, राइट? बहुत ही। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करे, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कॉल एविजन, that's a joke, and mock first of all you try, मतलब तुम try करो, अब जो एविशन का जो free एक mock series होता है, I guess, and वो try करो, वो देखो कैसा question, right? आप app download कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी free आपको series मिल जाएगा, जहाँ पर आप quiz दे सकते हो, वहाँ से आप अपना क्या level है पहले ये जानो, क्योंकि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से, इन द सेंस मतलब आप अभी कहाँ पर हो, कितना मार्क्स आपको आ रहा है और कितना मार्क्स आपको आना चाहिए, वो सारा चीज विदाउट गिविंग द मॉक टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? तो शुकर्णो, यहाँ से और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कितना मार्क्स मिला है? इन व्हाट, फुल हंड्रेड में कितना मार्क्स मिला है? 100 में 45.31, 45.31, राइट? अच्छा, अगर हम सेपरेटली बोलना चाहे तो इंटरव्यू में, बिकॉज ये ऑल वेटेड एवरेज है, ठीक है, तो इंटरव्यू में अलग से कितना मार्क्स मिला है? इंटरव्यू में मिला है मेरे को 63, नॉट बैड, बिकॉज 60% देखिए हम लोग बोलना चाहते कि वो ऑलमोस्ट फर्स्ट डिविजन है, तो 60% इज अच्छा मार्क्स है। तो ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में इतना मार्क्स मिलने का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? Obviously, एविशन को, एविशन स्पेशल। ऐसा नहीं है, देखिए एविशन ने तो आपको हेल्प किया है। I'd like to mention the sir that took my interview classes. Okay. That sir was a little bit scary, I'd say, but উনি খুবই মানে হেল্পফুল ছিলেন, লাইক উনি খুব রাগি ছিলেন, এন্ড উনি যখন বলতেন জিনিসটাকে একদম সিরিয়াসলি নিতেই হতো, আর সেটা হচ্ছে আমাকে মানে ইমপ্রুভ করতে অনেক অনেকটাই হেল্প করেছে, আই ফিল। তাছাড়া হচ্ছে যে ফ্যাকাল্টিজরা আছে, যে সরোজ স্যার যিনি হচ্ছে আমার যে সাউন্ড স্পিক, যে স্পিকিং যে স্টাইলটা, ওটাকে ইম্প্রুভ করতে অনেক হেল্প করেছেন। অ্যান্ড অফকোর্স রূপা ম্যাম, হুইজ আ এক্স এসবিআই পিও অ্যালুমনি আইসে, উনিও মানে ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাকে অনেক বেশি মানে হেল্প করেছেন। অ্যান্ড
मतलब आप बोलना चाह रहे हैं आप शुरू किए थे बिगिनर से और यहाँ पर आप पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ, देखिए वहां पर तो आपका हार्डवर्क था ही, ये सच है। देखिए जब हम इंटरव्यू में बैठे, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू एवरीवन, आपको भी पता है कोई सक्सेस के पीछे 90% हार्डवर्क रहता है वो स्टूडेंट का, ठीक, उसके बाद जो रहता है इंस्टीट्यूट फैकल्टी सब, लेकिन उसका हार्डवर्क है। और उसका हार्डवर्क बेसिकली देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी एक एक वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे प्रिपरेशन लेते हैं, राइट, तो ये लाखों बच्चे जो प्रिपरेशन लेते हैं उनका पाथ ऐसे अगर स्प्रेड हो जाएगा, उनको फोकस्ड होना है, तो वो फोकस वो सिंक्रोनाइजेशन लाता है एक राइट एविजन इंस्टीट्यूट, ओनली नहीं बोलना चाहते कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि ना राइट है, आपको राइट पाथ दिखाए। तो जैसे कि शुकर्णो को दिखाया एविजन इंस्टीट्यूट, राइट, तो शुकर्णो इसके बाद कोई प्लानिंग है जो मतलब एक नॉर्मल क्वेरी है, इसके बाद आप क्या प्रिपरेशन लेना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो SBIPO का इंटरव्यू है इन कमिंग वीक, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एविजन इंस्टीट्यूट, एंड इफ दैट अगर पास हो जाए, अगर मैं जॉब में घुस जाऊँ, इसके बाद मेरे को RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन करने का एक इच्छा है। उनके लिए आप देख ही सकते हैं, जो बिगिनर था और आज यहाँ पर है और सपने भी देख रहा है RBI ग्रेड बी के लिए, तो वो पूरा चीज को साकार कर रहे हैं फॉर एविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो जो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, आप एक बार आइए, हम लोगों का यहाँ पे बहुत सारे फ्री क्लासेस भी रहते हैं। जैसे कि ये बच्चा आया था, आज ये ऑफिसर बन गया, ठीक, हम लोग भी चाहते हैं कि आप सभी ऑफिसर बने, टू दी मतलब ऑल द एस्पिरेंट्स, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो एक बार आइए, क्योंकि आपको भी पता है व्हाट इज द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब, राइट, बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक हम सभी को पता है व्हाट इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एक ही ठिकाना क्या है, बोलिए, एविजन इंस्टीट्यूट, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस एंड एविजन फॉर योर सक्सेस, राइट। Thank you so much.